क्या आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता या आपकी बातों को वो अनसुनी कर देता है? अगर ये आपका चैलेंज है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ राहुल सावंत, क्रिएटर ऑफ एक्सेलरेटेड स्टूडेंट डेवलपमेंट सिस्टम, जहाँ पर मैं पेरेंट्स की और बच्चों की, स्टूडेंट्स की रियल इश्यूज़ को हैंडल करता हूँ। तो आज बात करते हैं कि बच्चे आपके बात क्यों नहीं सुनते। वन ऑफ द फैक्टर्स, क्योंकि डेफिनेटली देर आर डिफरेंट फैक्टर्स, उसमें से जो मोस्ट कॉमन और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका कम्युनिकेशन। क्या आपने बच्चे की माइंड पैटर्न को समझा है? अगर नहीं समझा तो कभी भी आपका कम्युनिकेशन सिंक में नहीं होगा और बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे ह्यूमंस में एक बिहेवियर होता है, एक बहुत ही कॉमन बिहेवियर होता है, नेचुरल बिहेवियर होता है, कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि या तो हम प्लेजर की तरफ जाते हैं या तो हम पेन को अवॉइड करते हैं। ये दो ही चीज़ें हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई लोग चलना प्रिफर करते हैं। अगर मुझे यहाँ से या मेरे घर से स्टेशन की तरफ जाना है तो मैं चलना प्रेफर करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे चलना अच्छा लगता है। सिमिलरली, अगर दूसरा कोई बंदा चल रहा है, रेगुलरली चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे भी चलना पसंद है। पॉसिबिलिटी है कि वो चल रहा है क्योंकि गाड़ी में बैठना या कोई किसी भी फोर व्हीलर में बैठना कि उसको फोबिया है। ओके, ही गेट्स दैट फोबिया सिटिंग इन टू अ व्हीकल, इसके वजह से वो चलना प्रेफर करता है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में वो पेन को अवॉइड कर रहा है। और पहली केस में क्या हुआ, जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं प्लेजर गेन कर रहा हूँ। तो ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ह्यूमन बिहेवियर में, और यही चीज़ बच्चों के साथ भी है। तो अगर आपने बच्चे के माइंड पैटर्न को प्रॉपरली रीड नहीं किया है या आपको आपके बच्चे की माइंड पैटर्न समझ में नहीं आ रही, तो हमेशा आपकी कॉन्फ्लिक्ट, आपके कम्युनिकेशन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगी बच्चे के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल के साथ इसे बेटर समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम्पल लेंगे जिससे कि आपको बहुत ही ईजिली इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में आसानी हो। चलिए मान लेते हैं कि आपको बच्चे को पढ़ाई करवानी है, अच्छी तरीके से पढ़ाई करवानी है। आप मानते हैं कि यार बच्चा मेरा बहुत अच्छी तरीके से एवरीडे पढ़ाई करे ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो जाए, ये आपकी ख्वाहिश है। तो जब आप बच्चे को बोलते हैं या बच्चे के साथ जब आप बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बच्चे को क्या कहते हैं कि बेटा तू पढ़ाई कर, नहीं तो तुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। या तो वो कहेंगे कि बच्चा देख, या तो वो रेफरेंस देंगे किसी दूसरे बंदे का या किसी दूसरे बच्चे का, देख उस बच्चे की क्या हालत हो गई, उसने पढ़ाई नहीं की और आज उसकी स्थिति देख क्या है, वो अभी पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, या तो ये वॉचमैन का काम कर रहा है, या तो वो एक नॉर्मल अकाउंटेंट या प्यून का काम कर रहा है। इस तरीके के हम कम्युनिकेशन और एग्जाम्पल्स देते हैं बच्चों को। तो अब हो क्या रहा है इस केस में, ओके, ये जो दो एग्जाम्पल्स हमने देखे, ये जो स्टेटमेंट्स हमने देखे, अगर आपका बच्चा मूविंग अवे वाला बच्चा है, उसका माइंड पैटर्न जो है प्राइमरी माइंड पैटर्न जिससे कि वो मोटिवेट होता है, वो है मूविंग अवे वाला, तो ये दो स्टेटमेंट्स उस बच्चे के ऊपर काम करेंगे और डेफिनेटली वो मोटिवेट होके उसके बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे का प्राइमरी पैटर्न मूविंग टूवर्ड्स है, वो प्लेजर की तरफ जाना चाहता है, वो अवे नहीं जाना चाहता, उसका प्राइमरी पैटर्न वो नहीं है ब्रेन का, तो अगर ये स्टेटमेंट्स आप और ये कम्युनिकेशन आप बच्चे के साथ कर रहे हो तो बहुत ही गलत पेरेंटिंग कर रहे हो। इसका मतलब है आप ताले में गलत चाबी घुमा रहे हो। ओके, इसका मतलब यू आर टॉकिंग इन लैटिन एंड योर चाइल्ड अंडरस्टैंड्स ग्रीक। समझ रहे हो आप बात को? तो इसे कैसे हैंडल करना है? अगर आपके बच्चे का प्राइमरी मोटिवेशनल प्राइमरी पैटर्न जिससे कि आपका बच्चा मोटिवेट होता है वो मूविंग टूवर्ड्स वाला है, तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है कि बच्चा तू अब ये कर ले, अच्छी तरह से पढ़ाई कर, ताकि आगे जाके तू अपनी पसंद का कोई भी कॉलेज अच्छी तरीके से चूज़ कर सकता है, पिक कर सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो आपने कही, दिस इज़ मूविंग टूवर्ड्स द प्लेजर। और प्राइमरी पैटर्न अगर आपके बच्चे का टूवर्ड्स प्लेजर वाला है, इमीजिएटली वो मोटिवेट हो जाएगा इस प्रकार के स्टेटमेंट से,
और उसके बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू पेरेंटिंग, मूविंग टूवर्ड्स एंड मूविंग अवे। इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे का प्राइमरी पैटर्न क्या है, और मैं अब तक बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प कर चुका हूँ इस प्राइमरी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए, और इसके ऊपर उनको मैं ज़्यादा डिटेल में मदद कर चुका हूँ। डेफिनेटली जब आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे इस विषय पर मैं ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के साथ, ताकि उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, ताकि वो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरीके से और ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाएँ। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सारे मेरे इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहें। आपको क्या चैलेंज है आपके बच्चे के साथ, कमेंट पे आप मेंशन कीजिए नीचे, ताकि मैं उन चैलेंजेस पे आपको मैं हेल्प कर सकूं, सॉल्यूशंस दे सकूं और उस प्रकार के वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू।